साइकिल नहीं किया जाता उसे कहते हैं वन तो एस यूपी को रिगार्ड मेंशन नहीं स्टूडेंट्स माइप तो चाह रहे हैं वेलकम बैक टू तो पाठशाला क्लासेस मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। तो 2024 में जो पुराने प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा कैसे डिस्पोज किया जाएगा उसके रिगार्डिंग रूल्स फॉर्म किए गए थे सबसे पहले 2016 में उसके काफी अमेंडमेंट्स हुए एंड अब फाइनली 2024 में हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने फिर से रूल्स को अमेंड किया है एंड फ्रेश रूल्स रिलीज किए गए रिगार्डिंग प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल तो शुरू करते हैं आज का वीडियो द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ट्वेंटी

एंड वॉट इज द एम ऑफ दिस प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स द न्यू रूल्स मेक इट हार्ड ऑफ मेकर्स ऑफ बायो ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक वेयर टू लेबल सच प्रोडक्ट एज बायोडिग्रेडेबल सो देर इज अ ट्रेंड रिसेंटली एक ट्रेंड चला आ रहा है कि अपने प्रोडक्ट को अपनी पैकेजिंग को प्रॉपर दिखाने के लिए उसको बायोडिग्रेडेबल टर्म दे दिया गया है जो क्या है वो लीगल नहीं है क्योंकि प्लास्टिक इज नायोडिग्रेडेबल वो डिस्पोजेबल है लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो उसको अगर आप गलत गलती से टैग यूज करो उसका जान के टू मेनुपलेट या मिस रिप्रेजेंट योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग सो इलीगल एंड उसको काफी हद तक नए लॉज में रोका गया सबसे पहले शुरू करते हैं दो द जनरेटर्स के प्लास्टिक वेस्ट एंड नॉट टू लिटर द प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करना कम करो वो कम कैसे होगा जब प्लास्टिक को यूज करना कम किया जाएगा सेकेंडरी कि प्लास्टिक को ऐसे ही कहीं लिटरेट लिटर ना किया जाए कहीं पे फेंका ना जाए प्लास्टिक है तो सही से फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बायोडिग्रेडेबल के लिए ग्रीन डस्टबिन लगाए जाते हैं and non के लिए, के लिए, ब्लू डस्टबिन so, थ्री आर के थ्रू रिसाइकल किया जाए इंस्टेड ऑफ लिटरिंग आगे चलते हैं दे ऑल्सो इंश्योर रूल्स पीडब्लू एम रूल्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपको प्रॉपरली एज पर लॉस मैनेज करें दीडब्ल्यू एम रूल्स कास्ट एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रोड्यूसर जो बना रहा है मैन्युफेक्चर कर रहा है इम्पोर्टर जो उस गुड को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहा है एंड जो ब्रांड है जिसने प्लास्टिक पैकेजिंग में अपने टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट किया है थ्रू प्लास्टिक पैकेजेस अपना सामान बेच रहा है तो उस ब्रांड के ओनर इन तीनों की कंबाइंड एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर ईपीआरमेंटल थ्रू आउट साइकिली कंज्यूमर एंड पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट मतलब कंज्यूमर के यूज करने के पहले जो प्रोडक्ट बनाया गया है बिकने से पहले

लेंथ ऑफ ऑफ़ मेजरमेंट इक्वल मीटर ठीक है तो एक मीटर का वन यूनिटरी वैल्यू है जिससे प्लास्टिक की थिकनेस और उसकी लेंथ को मेजर किया जाता है। द स्कोप हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉमसिपल एरिया टू रूरल एरिया एंड इन रूरल एरिया ग्राम पंचायत इंप्लीमेंट कि इस रूल्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो इसकी जिम्मेदारी हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दी गई है

दो तो so, 2018 में जो है प्लास्टिक मैनेजमेंट रूलियंसी को थोड़ा इजी करा गया मतलब कर सोलह में उसको थोड़ा सा क्या किया गया एंड थोड़ी लिबर्टी थी में और मतलब प्लास्टिक रूल डिड नॉट में यूज एंड थ्रो प्लास्टिक नहीं किया था दोल यूज प्लास्टिक तो कोई भी ऐसा प्लास्टिक प्रोडक्ट जो एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है एंड वो रिसाइकल नहीं किया जाता उसे कहते हैं वन टाइम यूज तो SUP को रिगार्ड मेंशन नहीं है दो हजार सोलह के लॉ ऑन वर्ल्ड लोग डे इन ट्वेंटी जो कब होता है जून पांच इंडिया प्लस टू फेज आउट एस यूपी बाय दो तो इंडिया का एम था कि दो तक कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक को हम इनवायरमेंट में नहीं रखेंगे सबको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाएगा एंड

पचास माइक्रोन की एज पर कर टू थाउजेंड थिकनेस को सेवेंटी ट्वेंटी बाईस के अमेंडमेंट में कितना कर दिया गया एक सौ बीस माइक्रोन थिकनेस को काफी इंक्रीज कर दिया गया द मैन्युफैक्चर सेल एंड यूज ऑफ द फॉलोइंग सिंगल यूज प्रोहिबिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट जुलाई दो हजार बाईस तो आपने सुना होगा न्यूज में

प्लेट्स कप्स ग्लासेस कल्ट्री कटलरी सच फॉक स्पून नाइफ एक्सेट्रा ठीक है इन सबको बैन कर दिया गया ठीक है इनके लिए प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए कि अगर इनसे जुड़ा कोई भी सामान बन रहा है इनमें से तो उसकी थिकनेस कितनी रहेगी 100 माइक्रोन ना उससे ज्यादा ना उससे कम 100 माइक्रोन से कम हो सकती है ज्यादा एक्सचेंज उससे नहीं कर सकती अब आते हैं 2022 अमेंडमेंट जो सेकंड लास्ट अमेंडमेंट है इस रूल्स में The Amendment Rules 2022 have introduced a definition for the plastics. तो किसी को कॉइन कि किया जा रहा है नॉमेन क्लेचर एक्जैक्ट वर्ड क्या है इसका नॉमेन क्लेचर जब कॉइन किया जा रहा है तो दो हजार सोलह में नई डेफिनेशन लाएगी दो हजार बाईस के एक्ट में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स

कुछ भी आ सकता है क्लाइमेटिंग चेंज की वजह से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम से किसी भी तरीके से एनिमल्स की वर्क की वजह से अगर वो बायोलॉजिकली मिक्सअप हो रहा है सॉइल में तो बायोडिग्रेडेबल बन जाता है ठीक है तो इसकी डेफिनेशन को एनहस किया गया वाइड किया गया और इसमें इंक्लूड कर दिया गया कोई भी माइक्रो प्लास्टिक्स जो ना छोड़े

और वाटर पॉल्यूशन किया है इसलिए उनके यूज को जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया ऑफिशियली इनके यूज को भी रिड्यूस करने की बात कही गई न्यू लॉस का जो रूल सेवन ए है वो क्या कहता है रिस्पॉसिबिलिटी ऑफ पंचायत एड डिज बिन इंसर्टेड विच लेस डाउन सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीजी जो वो सेम बात है जो पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी गई इंप्लीमेंटेशन की डेफिनेशन ऑफ सेलर है तो कोई भी अगर प्लास्टिक से बना हुआ रॉ मटेरियल बेच रहा है जिससे फैक्ट्री में प्रॉपर प्लास्टिक बनाई जा रही है उसको एज पर दिस लॉ क्या बोला जाएगा सेलर ऑफ कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अंडर द रूल्स मस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द सीपीएसडी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि सेलिंग और मार्केटिंग अगर आप अपना प्लास्टिक प्रोडक्ट बेच रहे हो या उसको एडवर्टाइज कर रहे हो तो उसके लिए प्रायरली आपको टेस्ट कराना पड़ेगा

किस मिनिस्ट्री के अंडर आते मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर ऑलरेडी बता दिया प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है को मिस्टर भूपेंद्र यादव कब बनाई गई नाइन में बनाई गई अंडर द एक्ट तो यूजअली जो वाटर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा फैला हुआ था उसको टैकल करने के लिए इस बोर्ड को बनाया गया था लेकिन अक्रॉस ऑल द पॉल्यूशन वाटर एयर सॉइल नॉइज सबको सबके खिलाफ सैक्शन यही बोर्ड लगाती है एंड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद विदर्स एंड फंक्शन अंडर द एयर एक्ट तो अपनी लेजिटिमेट अथॉरिटी लॉ से कहां से डिराइव करता है बोर्ड पहला स्टेट्यूट है वाटर एक्ट स्टेट्यूट है इसके प्रशान प्रशान इसके है एयर प्रेजेंट न्यू दिल्ली तो आई होप आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है please drop in the comment section and you may also join our telegram channel for keeping touch with us and for regular updates please join the pachala classes and press the bell icon like. thank you